नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय दरभंगा के एक मोहल्ले में हूँ। दलित समाज के मासूम बच्चे हैं और ये सब, इनका भविष्य अंधकारमय है। इनके पास जमीन नहीं है, लाचार हैं, गरीब हैं। कोई पैदा जाहिल नहीं होता है, कोई पैदा गवार नहीं होता है, कोई पैदा जो है ना बेवकूफ़ नहीं होता है। जब उसको संसाधन नहीं मिलता, आपके इस उम्र में, जिस उम्र में आपके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छा खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, तो वो अच्छा इंसान बनते हैं, वो सफल होते हैं। लेकिन सोचिए कि जो मासूम बच्चे हैं, ये कोरा कागज़ हैं, लेकिन धीरे धीरे गरीबी, लाचारी, बेबसी इनको कैसे मजबूर कर देगी। और जैसे जैसे बड़ा होंगे, ये ड्रग्स एडिक्ट हो जाएंगे, गुटखा खाने लगेंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे। लेकिन अभी अगर इसी उम्र में सरकार मदद करे, पूरी दुनिया के देशों में इस तरह के मासूम बच्चे जो गरीब होते हैं उनकी सरकार देखभाल करती है, लेकिन सरकार में आपको आपके किस्मत के सहारे छोड़ दिया जाता है। आपका क्या नाम है? मयंक। मयंक, आप तो लॉकडाउन से पहले स्कूल जाते थे ना, तो मज़ा आता है पढ़ने में? अच्छा, खाना मिलता है रोज? कोई नहीं, कितनी बार खाना मिलता है? खाना कितना बार मिलता है? एक बार। आ, क्या खाना पसंद है आपको? भुजिया भात। और क्या पसंद है? चॉकलेट। चॉकलेट पसंद है। और अच्छा, आपका क्या नाम है? तो देखिए, अभी भाग गए हैं, ये हेलीकॉप्टर भी आएंगे आएंगे आएंगे, अभी ये बच्चे आएंगे। और सोचिए कि इन मासूमों के ज़िंदगी में कितना है। देखिए देखिए, दिखाइए इन लोगों को। कोई नहीं कोई नहीं, देख लीजिए। तो ये फिर से एक बच्चा आ गया है मेरे पास, और भी बच्चे हैं जिनसे मैं बात करूँगा। देखिए ये लोग तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, उनकी रैली है। आपका क्या नाम है? पायल। आप पहले जाती थी स्कूल? हाँ। तो आपको खाना कितनी बार मिलता है? चार बार। अच्छा, और क्या क्या खाना पसंद है आपको? आलू सोयाबीन पसंद है आपको? अच्छा, और मछली, मटन, चिकन मिलता है? हाँ। दूध मिलता है दूध पीने के लिए? हाँ। चॉकलेट? हाँ। चिप्स? हाँ। जिस उम्र में हमारे आपके बच्चे चॉकलेट, चिप्स, दूध, प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, इनके पास बेसिक ज़रूरत भी नहीं होती है। और आपका क्या नाम है? राखी। राखी, राखी, आप जाती थी स्कूल? डेरा में पढ़ती थी। डेरा में पढ़ते थे। खाना कितनी बार मिलता है? एक बार। एक ही बार मिलता है। क्या क्या खाना पसंद है आपको? भुजिया रोटी। दूध मिलता है? दूध। फल, सेब, अनार, ये सब मिलता है? हाँ। अच्छा, रोज तो नहीं मिलता, कभी कभी मम्मी पापा लाते होंगे ना? हाँ। अच्छा, और चिकन, मटन, मतलब मछली, मांस खाते हैं? मुर्गा? हाँ। हाँ। कितनी बार खाना मिलता है? अच्छा, किसको किसको पढ़ना पसंद है? खेलना किसको किसको पसंद है? हाँ, खेलते हैं आप लोग? देखिए, हमको भी खेलेंगे। खेलना पसंद है आपको? हाँ। तो दूध मिलता है पीने के नहीं? लिए नहीं मिलता ना? सब बताना, रोज रात में या दिन में दूध मिलता है ग्लास में? हमारे रात में। हाँ। आपको नहीं मिलता ना? हमको रात में मिलता है। मिलता है। चलो, बच्चे हैं, इनको नहीं पता है। आपका क्या नाम है? साल। आपको मिलता है दूध? दूध मिलता है नहीं। तो ये एक मामूली सैंपल सर्वे दिखा रहा हूँ। इस देश में करोड़ों बच्चे हैं ऐसे जो बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती है, चाहे वो खाना हो, प्रोटीन डाइट हो, वो लाचार हैं, बेबस है, सरकारें आती जाती रहती हैं, इनकी हालत ऐसी ही है। दुनिया के तमाम देशों में बच्चों की, और इस देश की मीडिया, अखबार कोई इन पर बात नहीं करेगा, उनका सरोकार भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप इस देश को समझेंगे, और बहुजनों को क्यों मीडिया ज़रूरत है, लाचार हैं, बेबस है, जब ये बड़े होंगे तो इनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, लाचारी है, बेबसी है, और ये ड्रग्स एडिक्ट हो जाएंगे। खेल है तो डांस करके दिखाओ, किसको किसको डांस आता है? करो, करके दिखाओ। चलो करो, मुझे आता है। करिए करिए करो 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 तो ये मासूम बच्चे हैं, इनकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, सरकार के हाथों में है। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस पर बात नहीं होती है। इस देश के हम लोग एक मरे हुए लोग हैं, जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं। हमें अपने आने वाली नस्लों की भी चिंता नहीं है, उसको धर्म में झोंक रहे, और किसी की संवेदनशीलता नहीं है कि इस देश के बच्चों को बचाएं। अगर इनके पास ज़मीनें होती, अगर ये जनरल कैटेगरी के होते, लाचार, बेबस नहीं होते,
और देखिए सब जो ऐसे बच्चों की जो हालत है वो सिर्फ दलित समाज के बच्चों की हालत है, आदिवासी समाज के बच्चों की हालत है, जनरल समाज पिछड़े समाज के बच्चों की हालत है। आपको कोई जनरल नहीं मिलेगा, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके बच्चे की हालत इस तरह से नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ इस देश में जाति की वजह से ही सारी समस्या है। जिस दिन संविधान लागू हो गया ये लोग अच्छे हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह के लाचारी है, बेबसी है, और दलित समाज के बच्चे जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब मरने के लिए मजबूर हैं। बाकी आप लोग बताइए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दरभंगा, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।